जिसका कोई मायनी हो कलमा कहलाता है। मसलन रोटी, पानी, जूट, और बात वगैरह। वो अल्फाज जिनके कोई मायने ना हो मुहमिल कहलाते हैं। मसलन जैसा कि हम रोटी के साथ वोटी लगा देते हैं, पानी के साथ वानी, झूठ के साथ मूठ, और बात के साथ चीत लगा देते हैं। ये सब कलमा हैं क्योंकि इनके खास मायने हैं, और ये सब मुहमिल हैं क्योंकि इनके कोई मायने नहीं हैं। कलमा की इकसाम। कलमा की तीन इकसाम हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसम इसम किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को कहते हैं। मसलन कुर्सी, लाहौर, बाग वगैरह। मसलन आया, आता है, आएगा, वगैरह। हर्फ वो कलमा है जो ना तो किसी चीज का नाम हो और ना काम करने या होने के मायने दे, बल्कि वो इसम और फेल से मिलकर अपने मायने जाहिर करे। मसलन का, के, को, की, पर, से, तक वगैरह।